जब आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली कार्यालय पहुंची दो नन्ही फरियादी लड़कियां, कहने को तो सिर्फ उम्र 12 वर्ष पर व्यवहार परिपक्वता मानो बड़े लोगों जैसी एसएसपी ऑफिस पहुंची इस बच्ची की, शायद वक्त और हालात सभी को समझदार बना देते हैं। प्रार्थिनी के रूप में पहुंची 12 वर्षीय प्रभा गुप्ता पुत्री प्रभु दयाल गुप्ता निवासी आचार्य शक्तिपीठ मंदिर मोहल्ला कुंवरपुर नाला थाना किला बरेली ने बताया कि उसके पिता विकलांग है और मामू बधिर, जिस कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। दूसरी ओर प्रभा के चाचा टिंकू गुप्ता व उनकी पत्नी इन बच्चियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मारपीट करते हैं। विपक्षी चाचा चाची इनके परिवार को घर से भगा देना चाहते हैं ताकि मकान पर कब्जा किया जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को संबोधित प्रार्थना पत्र में यह बच्ची अपनी समस्या लिखकर लाई थी, जिसे कार्यालय में ले लिया गया। अपनी छोटी बहन के साथ पहुंची प्रभा गुप्ता को सोमवार वाले दिन एसएसपी ऑफिस बुलाया गया है, जो कि बेहद परेशान नजर आ रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली कार्यालय बरेली में ये छोटी छोटी दो बच्चियां आई हैं, जो अपने चाचा के ऊपर मारपीट, लड़ाई, झगड़ा करने का आरोप लगा रही हैं, और इनके पिताजी विकलांग हैं और माँ मुख बधिर हैं, जो न बोल पाती हैं न सुन पाती हैं। बताएं बेटा, कहाँ से आए आप लोग? श्री आचार्य पीठ मंदिर कुंवरपुर नाला। कौन से मंदिर से? श्री आचार्य पीठ मंदिर कुंवरपुर नाला। अच्छा जी, बताएं बेटा क्या प्रॉब्लम है? माँ, चाचा चाची सुबह से हम पे हमला कर रहे हैं, घर में घुसने दे रहे हैं। जब से दवाई लेके आई तब से कुछ खाया नहीं है, और घर में घुसे तो कहने लगे ये लोग पत्थर फेंक रहा, उनने मेरे मारा मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं थाने गई, थाने वो पैसे दे देते हैं, कुछ नहीं होता। मैं कहाँ तक? आपका कौन सा थाना लगता है? थाना किला। अच्छा, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती? कुछ है, नहीं हो रहा है। जबकि आपके पिताजी विकलांग हैं और माँ मुख बधिर हैं, ना बोल पाती हैं ना सुन पाती हैं। हाँ। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम छह। अच्छा जी, तो आप लोगों की जीविका कैसे चलती है? हम लोग पापा पहले जो कमाते थे उससे थोड़ा बहुत पैसे हैं, वही खाते रहते हैं। हम लोग बहुत दुखी करते हैं हमें। मकान आपका अपना निजी है? मकान हमारा अपना है, वो लोग चाहते हैं ये लोग मकान छोड़ के चले जाएं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। आपको भगाना चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपके चाचा का? चाचा का नाम है टिंकू गुप्ता। टिंकू गुप्ता क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। अच्छा जी, और उनकी पत्नी का नाम? पिंकी गुप्ता। अच्छा, ये दोनों परेशान करते हैं आप लोगों को, मारते पीटते हैं और घर से निकालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए आज आप यहाँ पर एसएसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देने आए हैं इस विषय में, क्योंकि किला थाना पे आप लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं होती। कुछ नहीं होता है जी, पैसे देके चले आते हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोग पैसे दे नहीं सकते, वो लोग पैसे दे देते हैं, हम क्या करें? छोटी छोटी बच्चियां पैसे देने का आरोप लगा रही हैं। आप पढ़ती हैं बेटा? जी हाँ, 7th क्लास में हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतिभा गुप्ता। इसका नाम प्रतिभा गुप्ता। एप्लीकेशन आपकी तरफ से प्रभा?